नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में कंपनियों के बारे में। कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि निवेश कर रही है, जिससे कि बिहार के लोगों को रोजगार मिलने वाला है। बिहार में रोजगार को लेकर कई तरह की बातें कही जाती है। बिहार में आर्थिक विकास न होने के पीछे की कई तरह के कारण गिनाए जाते हैं, जिसमें एक कारण यह भी कहा जाता है कि बिहार में कोई भी कल कारखाने नहीं है, जिससे कि प्रदेश में लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ पर दूसरे जगह से लोग आकर अपना रोजगार विकसित कर सके। हालांकि इन सब के पीछे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अलग अलग बयान सामने आते रहे हैं। उद्योग को बिहार में लगाने के पीछे जो तर्क दिया जाता रहा है कि उसमें यही कहा जाता है कि बिहार में उस तरह का माहौल नहीं है कि किसी तरह से उद्योग को खड़ा किया जा सके। ऐसे में बिहार सरकार ने पिछले कुछ सालों में रोजगार को लेकर बेहतर काम किया है, खासकर कल कारखानों को लेकर बेहतर काम किया गया है। बिहार में एक समय में चीनी की मिलें थी, आज भी है, लेकिन पहले जैसी स्थिति में नहीं है। कई और उद्योग था जिसका जिक्र आज विपक्ष के कई नेता करते हैं। बिहार के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको श्रीकृष्ण सिंह का नाम सामने आएगा, जिनके मुख्यमंत्री कालखंड में बिहार में उद्योग अपना सबसे बेहतर स्थिति में था। स्थिति यह थी कि यह उद्योग के मामले में देश के दूसरे राज्यों में की अगर हम तुलना कर लें तो यह पूरे देश में दूसरे स्थान पर था। यहाँ रोजगार के साधन थे, यहाँ कल कारखाने थे और यहाँ के लोगों में खुशहाली थी। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती जाती है, इसमें भी बदलाव हो गया और अब एक बार फिर से बिहार में उद्योग लगाने पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में उद्योग को लेकर अब लोगों के मन में बदलाव है। यहाँ सीमेंट से लेकर पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियाँ अपनी यूनिट लगा चुकी है, कई क्षेत्रों में यह काम कर रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों कोलकाता में इन्वेस्टमेंट मीट में बिहार के टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक, सीमेंट समेत कई सेक्टर में निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। आपको बता दें कि केवर्स एग्रो ने 600 करोड़ रुपए तो वही जेआईएस ग्रुप ने 300 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है। केवर्स एग्रो के चेयरमैन मयंक अग्रवाल ने बताया कि एक इन्वेस्टमेंट को हमेशा दो चीज़ें चाहिए, एक निवेश की सुरक्षा और दूसरा ग्रोथ की संभावनाएं। आज बिहार में दोनों चीज़ें उपलब्ध है। बिहार औद्योगिक नीति भी भविष्य को देखकर बनाई गई है और प्रोत्साहित करने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में गुड गवर्नेंस है, हमारी कंपनी बिहार में लॉजिस्टिक सेक्टर में करीब 600 करोड़ रुपये की निवेश करेगी। वहीं जेआईएस ग्रुप के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हरनजीत सिंह ने कहा कि लॉजिस्टिक सेक्टर में उनकी कंपनी 300 करोड़ रुपये की निवेश करेगी। इधर टीटी लिमिटेड के एमडी संजय कुमार जैन ने बताया कि बिहार में निवेश करेंगे और एक साल के भीतर यहां उत्पादन की भी शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अपनी बात रखते हुए उद्योगपतियों और कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि बंगाल और बिहार का पुराना नाता और लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग बिहार को अपना दूसरा घर समझते हैं। उन्होंने कहा कि आप बिहार में नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित कर सकते हैं या फिर अपने उद्योग का विस्तार दे सकते हैं। इस दौरान बोलते हुए शाहनवाज हुसैन ने भरोसा दिया कि हम खुद चलकर उद्योगपतियों के दरवाजे तक जा रहे हैं और हम जो कहेंगे वो करेंगे। बिहार में निवेश किसी भी हाल में उनके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में उद्योगों की संस्थान के लिए 2900 करोड़ का लैंड बैंक है, 73 औद्योगिक क्षेत्र पूरी सुविधा के साथ तैयार है। साथ ही साथ ये भी बताया कि बिहार में 7 एयरपोर्ट है, जिससे कि कनेक्टिविटी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे में अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में रोजगार को बढ़ावा मिले, जिससे कि प्रदेश के लोगों को अपने घर में ही रोजगार मिल सके। शाहनवाज हुसैन के लगातार इस तरह के प्रयास के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि बिहार में उद्योग का बढ़ावा बहुत ही जल्द मिलने वाला है। बिहार और बिहार से जुड़े भी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।